नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। और अब विशेष जी, डोकलाम में जारी भारत चीन की तनातनी के बीच चीन की धमकियां अभी तक आपने खूब पढ़ी होंगी। हम पढ़ने की बात दरअसल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसी धमकियां चीन के सरकारी अखबार में लगातार छापी जा रही है, जिनके बारे में हम आपको बताते भी रहे हैं। लेकिन एक कदम और आगे जी, एक कदम बढ़ते हैं और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक महोदय खुद कैमरे के सामने आए, भारत को धमकियां दी, धमकियां सुनाई। और अगले ही दिन ठीक ऐसी धमकी एक और चीनी न्यूज चैनल के एंकर ने भारत को दे डाली। क्या ये चीन की आखिरी धमकी है या फिर ये वाली धमकी आखिरी है? क्या 1962 की खुमारी ने चीन का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है? डोकलाम पर भारत से जारी तनातनी को लेकर चीन की ओर से मोर्चा वहां की मीडिया ने संभाल रखा है। 3 अगस्त के बाद 7 अगस्त को चीन के विदेश मंत्रालय ने इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। भारत के 53 सैनिक और एक बुलडोजर अभी भी चीन के इलाके में है। भारत को अपने सैनिक और उपकरण तुरंत हटा लेने चाहिए। कितने सैनिक आए थे और कितने बचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि उन्होंने चीन की संप्रभुता को चुनौती दी है। अभी भी चीन सरकार ने भारत को युद्ध की धमकी नहीं दी, लेकिन शायद जो उसके मन में है वही उसके मीडिया की जुबान पर है। हू शी जिन, यही नाम है इन जनाब का जो सीधे तौर पर भारत सरकार को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हैं और क्योंकि चीनी मीडिया सरकार की सरपरस्ती में ही चलता है, इसलिए मान लिया जाना चाहिए कि ये संपादक जी भी सरकारी तोते हैं। तुर्रा ये है कि डोकलाम से लौट जाओ वरना चढ़ाई कर देंगे। अठारह जून को जब डोकलाम से भारतीय फौज ने चीनी सेना को पीछे धकेला, तब से लेकर आज तक इसी ग्लोबल टाइम्स अखबार के जरिए चीन ने भारत को अनगिनत घुड़कियां और धमकियां दी। लेकिन भारत के संयम के आगे जब ग्लोबल टाइम्स की सारी धमकियां औंधे मुंह गिर गईं, तो संपादक जी कैमरे के सामने प्रकट हुए और चीन के आर्मी चीफ का अवतार ले लिया। 1 मिनट 42 सेकंड का ये वीडियो शुरू से आखिर तक धमकी और अति आत्मविश्वास में। चीनी मीडिया की तल्खियां सिर्फ भारत सरकार को लेकर नहीं, भारतीय मीडिया को लेकर भी हैं। आज तक समूह की ही मैगजीन इंडिया टुडे के कवर पेज को लेकर भी चीन में हंगामा मचा है। लेकिन चीन की सोच की दाद दीजिए कि मैगजीन में खुद को मुर्गी की तरह दिखाए जाने पर नहीं, बल्कि एतराज इस बात पर है कि नक्शे में ताइवान क्यों नहीं दिखाया गया। I was told by somebody in the magazine that this was not really omitting Tibet, but it was the shape of a chicken, and it was a kind of a cartoon map of different countries. चीन का ये बड़बोलापन दरअसल नतीजा है 1962 की खुमारी का, जिसमें अभी तक वो न सिर्फ जी रहा है बल्कि 55 साल पुराने भारत की छवि आज भी रबर की तरह खींचकर अपनी सेना और जनता को दिखा रहा है। लेकिन ऐसी धमकियों को भारत सरकार ने फूंक कर उड़ा दिया है। देखिए, मैं इसके याद दिलाना है तो वो 62 की स्थिति अलग थी, 2017 का भारत और। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री का जवाब भी ना तो चीन की सरकार और फौज के समझ आया, ना ही सन के संपादक जी को। कैमरे के सामने अपने जुबानी जलवे दिखाने उतरे ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने भी वही घिसा। लेकिन चीन के जंगी संपादक जी शायद भूल गए कि जिस चीनी फौज का वो दम भर रहे हैं, उसने 1979 के वियतनाम युद्ध के बाद से हथियार ही नहीं चलाए हैं। 1979 की जंग में भी वियतनाम जैसे छोटे से देश ने चीनी फौजों के पसीने छुड़ा दिए थे, जबकि भारत 1962 के बाद 1965, 1971 और 1999 में 3 जंग लड़ चुका है और जीता भी है। तो धमकी के साथ साथ चीन ने झूठ और फुसलाने वाली कूटनीति का भी सहारा लिया। देखिए, डोकलाम पर बीते 52 दिन हो गए। इस दौर में चीन चाल लगातार अपने हिसाब से अपनी किताब लिखता रहा, सुनाता रहा। रिपोर्ट देखिए। Oh,
धमकी के साथ झूठ और फिर अचानक नरमी। चीन का यही पैंतरा है जो हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भी अच्छे से समझ चुकी है। डोकलाम के मुद्दे पर भी चीन इसी रणनीति पर काम कर रहा है। लगातार धमकियों के बाद जब डोकलाम पर भारत नहीं डिगा तो चीन ने कैसे झूठ के जरिए कूटनीतिक लड़ाई जीतने की साजिश की थी, ये भी देखिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने 3 अगस्त को 15 पन्नों की तथाकथित फैक्ट फाइल जारी करके ये जताने की कोशिश की थी कि डोकलाम में भारतीय फौजें पीछे हट रही हैं। चीन सरकार का दावा था कि डोकलाम में पहले 270 भारतीय सैनिक थे, अब 40 बचे हैं। लेकिन चीन के दावों की भारत के विदेश मंत्रालय ने पोल खोल दी थी। As far as the questions regarding deployment are concerned, these are operational matters, whether on our side or on the other side, and I wouldn't like to specifically go into them in this forum. इससे पहले NSA अजीत डोवाल के दौरे के वक्त चीन ने नरमी वाली कूटनीति का सहारा लिया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे करते हुए लिखा था कि पीएम मोदी की नीतियों के चलते भारत विदेशी निवेश का बड़ा केंद्र बन गया है। नरमी और झूठ का हथियार भी डोकलाम पर बेकार रहा तो चीन फिर से घुड़कियां देने पर उतारू हो गया। हालांकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन को अच्छे से समझा दिया कि अगर वो युद्ध ही चाहता है तो भारत भी तैयार है, निकलता है समाधान। बहरहाल अब तक डोकलाम पर चीन की सारी चालें बेकार हैं, लिहाजा उसे झूठ और धमकी की कूटनीति से बाहर निकलकर समझदारी दिखाते हुए बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है। आज तक ब्यूरो।